क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता चल नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

प्राइमर प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं आपको ये बतलाना है आपको बतलाना है कि हमारी बॉडी में प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को हम ब्लड बैंक में किस वो कौन सा ऑर्गन होता है जो जन्म के साथ बड़ा होता है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो साइज में घटता चला जाता है और एक विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट को बनाने में रोल प्ले करता है उन्हें मैच्योर करने में रोल प्ले करता है उस ऑर्गन का नाम बताना है आपको ठीक है ना चलिए तो बेटा पिछली क्लास में हमने क्या देखा था हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बात किया था हमने अलग अलग हमने ऑर्गन को देखा हमने हर एक के फंक्शन को समझा हमने क्या रोल होता है तो मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको बताया था कैसे पुलिस पुलिस काम करती है है चौकी क्या होती लिम्फ नोट जो है वो आ, प, एंटीजन को पकड़ते हैं वहां पर जो है वो लिम्फोसाइट का सामना एंटीजन से होता है और फिर टी सेल कैसे व्यवहार करते हैं और बी सेल कैसे व्यवहार करते हैं बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का बिहेवियर एंटीजन

थाइमस किस तरह का होता है क्या लोकेशन होती है इस सब पर भी हमने बात किया फिर इसके बाद हमने स्प्लिन के ऊपर ही बात किया कि रेड पल्प और वो व्हाइट पल्प का संबंध स्प्लिन होता है और स्प्लिन जो होता है एक फिल्टर के समान काम करता है जो भी ब्लड बॉर्न पैथोजन है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट पैथोजन है उनको रोकने का ट्रैप करने का, का काम कौन करता है वो स्प्लिन करता है एक फिल्टर के समान काम करता है ठीक है क्लियर फिर हमने लिम्फ नोट को देखा मैंने कहा आपसे कि नोट जो होते हैं हर ऑर्गन हर पार्ट से पार्ट से जो भी ड्रेनेज है लिम्फ का वो कहीं ना कहीं एक लिम्फ नोड उसके पास पहुंचेगा और लिम्फ नोड उसका एनालिसिस करेगा कि कोई उसमें एंटीजन या पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है इसलिए जब कभी कोई इंफेक्शन होता है तो डॉक्टर आपके लिम्फ नोड को चेक करते हैं ठीक है चलिए अब एक अलग से एक डिजीज जो एनसीआरटी में बड़ा इंफोसिस करके देखा है ट्वेल्थ क्लास एनसीआरटी पेज नंबर 154 हंड्रेड के एचआईवी और एड्स के बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा मानकर चलिएगा क्वेश्चन एक एमसीक्यू फिक्स इससे के हर साल एक क्वेश्चन इस पोर्शन से एड्स वाले पोर्शन से जरूर आता है के और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम ठीक उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम इम्यूनो सिंड्रोम और इसे करने वाला जो एजेंट है वो एक वायरस है और उस वायरस का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस ठीक है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस के ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस ठीक है एचआईवी और एच के जितने भी हम जो जो आपके पूरे इंडिया में जो भी एच आई वी के अवेयरनेस के देखिए क्या कह, कहा जाता है इसके बारे में एच एट, आई या एड्स हम कहते हैं एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हम बोलते हैं जानकारी ही ठीक है यानी जो जानकारी है वही बचाव है, जानकारी ही बचाव ऐसा मतलब मान लो के चलो कि जानकारी ही बचाव है ठीक है ना और यही इसका उपचार है मतलब यह है कि व्यक्ति को एच आई इंफेक्शन के बारे में एड्स के बारे में अवेयरनेस के जानकारी होना चाहिए इसीलिए सरकार हर साल गवर्नमेंट जो है वो करोड़ों रुपया खर्च करती है केवल इसकी अवेयरनेस के लिए के कि जगह जगह पर पोस्टर लगे होते हैं जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक होते हैं जगह जगह पर ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटी होती है जहां पर एचआईवी के बारे में एड्स के बारे में लोगों को बताया जाए के। और इसके लिए एक प्रतीक चिन्ह इसके लिए एक जो है हम कहते हैं कि अवेयरनेस के लिए एक सिंबॉल है वो है रेड रिबन सिंबॉल इज द रेड रिबन ठीक है Red ribbon, इसका सिंबॉल तो के लिए मतलब ये नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन नाको जो, National AIDS Control जो है नाको उसका एक प्रतीक चिन्ह है जो जैसे बोलते ना आपके रेड क्रॉस का क्या होता है आप देखते हो कि रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है ऐसा रेड क्रॉस होता है ठीक है ये मेडिकल हेल्प के बारे में के medical facility उसके बारे में बतलाता है ठीक है ना क्लियर फिर देते हो डॉक्टर्स का चेन अलग तरह का होता है ऐसा जो है वो स्नैक बने होते हैं ठीक है ना ठीक कॉडेशियस बोलते हैं इसको तो हमने क्या देखा बेटा हमने कहा कि एक्चुअली में जो रेड रिबन है वो क्या होता है वो एड्स के लिए एचआईवी इंफेक्शन के लिए अवेयरनेस को का प्रतीक है एक ठीक और आज भी दुनिया भर में सबसे खतरनाक बीमारी में से एक जिसके बाद जिसका इलाज के यानी इसका इलाज अभी तक क्या अभी तक हम जो एंटी रेट्रोवायरल दवाएं देते हैं जो भी हम एआर या एंटी थेरेपी देते हैं एच के लिए दवाएं देते हैं एच आई वी इंफेक्शन आप बोले हम एड्स के ट्रीटमेंट के लिए दवाएं देते हैं तो एक्चुअली वो दवाएं जो है बहुत इफेक्टिव दवाएं नहीं है वो केवल व्यक्ति की लॉन्जिटिविटी को बढ़ाती है कि उसके जीवन को थोड़ा लंबा कर देती है अदरवाइज जो है वो बीमारी को ठीक नहीं कर पाती दर इज नो क्योर के कोई क्योर नहीं है एच का एड्स का कोई क्योर नहीं है ठीक है ठीक अब एनसीआरटी का लिखता है इसके बारे में, चलिए चीज़ को? और देखो बेटा एनसीआरटी का जो एड्स वाले पोर्शन में जो भी कंटेंट रखा ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी क्वेश्चन पूछा गया, इसी में से पूछा गया आपको गूगल पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी वो काम की नहीं है जो काम का है वो एनसीआरटी में ठीक है का मतलब क्या है मैंने आपको आपको बताया भी ठीक है? क्लियर? इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट ए कॉन्जनेटेड डिजीज अब क्या मतलब इस वर्ड का देखो सिंपल सी बात है एक्वायर्ड वर्ड का मतलब होता है अपने जीवन काल में अर्जित किया गया के, ठीक मतलब है मतलब यह है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इट इज इट इज अचीव ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उस हम एक्वायर्ड कहते हैं के, जीवन काल के दौरान लाइफ टाइम के दौरान जो है वो जो आपने अर्जित किया उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए आप एक्वायर्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप ठीक है क्लियर तो क्वायट का मतलब हो गया बेटा मतलब हमारा नॉर्मल नॉर्मल इम्यून सिस्टम जब जन्म होता है तो एक हमारे पास इम्यूनिटी होती, हम होती है उसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं वो शुरू से प्रेजेंट होती है लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली नॉर्मली पेशेंट नॉर्मली पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी सामान्य के यानी सा, सामान्य कंडीशन में पेशेंट की एक की नॉर्मल इम्यूनिटी नॉर्मल इम्यूनिटी थी ध्यान से नॉर्मल इम्यूनिटी थी फिर क्या हुआ बेटा फिर हुआ इन्फेक्शन एच वायरस का इंफेक्शन हुआ तो इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो गई ठीक है मतलब नॉर्मल इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को यदि एच का इंफेक्शन होगा तो उसकी इम्यूनिटी डाउन होने लगेगी कम होने लगेगी और उसको कई सारे इंफेक्शन होंगे और उन्हीं में से कोई इंफेक्शन उसकी जान ले लेगा एच नहीं मारेगा उसको एचआईबी नहीं मारेगा एच केवल इतना इतना कमजोर कर देगा इतना कमजोर कर देगा कि कोई साधारण सी बीमारी से व्यक्ति मर सकता है आई बात समझ में तो क्या बोला हमने हमने कहा कि ये जीवन काल के दौरान लिया गया इसलिए एक्वायर्ड है इम्यून सिस्टम को इसने कमजोर कर दिया है और एक सिंड्रोम वर्ड जब जब हम सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं इट इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के देखो बेटा एक बीमारी जो होती है उसमें गिनती के निश्चित सिम्टम होते हैं एक डिजीज जो होती बीमारी होती उसमें देयर इज अ देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ सिम्टम लक्षणों का एक समूह होता है कि वो आपसे मैंने कहा ठंड लग के बुखार आएगा अल्टरनेट डे में बुखार आएगा आपका ठंड लग के बुखार आया 24 या 48 आवर के बाद बुखार आया पसीना लगने के बाद जो है वो पसीना तेज आने के बाद बुखार उतर गया व्यक्ति नॉर्मल हो गया आप झट समझ गए ठंड लग के बुखार आया अल्टरनेट डे पे बुखार आया स्वेटिंग होने के बाद फीवर उतर गया तो आप समझ गए कि अरे सर बात कर रहे हैं मलेरिया की आप समझ गए ना बिल्कुल मैंने कहा कि एक व्यक्ति है ठंड लग के बुखार आया खांसी चल रही है उसको लगातार के सांस लेने में दिक्कत उसको हो रही है और बुखार बना हुआ है उसका तो आपने कहा सर ये तो निमोनिया है मैंने कहा ठंड लग के बुखार आया व्यक्ति को उठ के तो और जो है उसको पेशाब में जलन हो रही है उसको तो आप बोलोगे सर ये तो यूरिट्रैक इन्फेक्शन है मैंने कहा एक व्यक्ति को लगातार एक सौ एक एक दो बुखार बना हुआ है खाना खाने का मन नहीं कर रहा है भूख चली गई है उसकी के तो कॉन्स्टिपेशन भी फील कर रहा है वो तेज बॉडी में दर्द है सर दर्द तेज है उसको तो क्या आपने कहा अरे सर ये सिम्टम तो जो है उसके टाइफाइड के हो सकते हैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं। आपको जो जो सिम्टम मैंने बताए, आपने बीमारियों को पहचानना शुरू कर दिया आपने मतलब यह है कि आप जानते हैं अच्छे से कि बीमारी में एक सर्टेन सेट ऑफ सिम्टम लेकिन जब सिंड्रोम बोलते हैं तो ये, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर इतने वेराइटी के सिम्टम होते हैं कि आपको रेंडमली बहुत सारे सिम्टम देखने मिलते हैं तो सिंड्रोम इज ए बिग बिग फिन के तो जब सिंड्रोम में वर्ड यूज करता हूं मतलब यह है कि कई सारे अनसर्टेन सिम्टम ऐसे सिम्टम जो पहले नहीं देखेंगे वो भी देखने हमको मिल सकते हैं आप के और एड्स जो है वो जब जन्मजात या कॉन्जेटल नहीं होता के सिंड्रोम मींस एक ग्रुप ऑफ सिम्टम देखिए का के मतलब बड़ा समूह के यहां पे सर्टेन सेट यानी एक निश्चित सेट नहीं होगा सिम्टम का यहां पर क्या होगा बेटा यहां पर जो है वो एक बड़ा समूह होगा के एक जो है वो मत, कहने का मतलब ये है कि यहां पर बड़ी सारे आपको जैसे मैंने कहा ना आपसे कि नॉर्मल फंगल इंफेक्शन मुंह के अंदर नहीं होता है लेकिन ओरल थ्रस ओरल थ्रस की मुंह के अंदर फंगल इंफेक्शन एचआईवी में देखने मिलेगा ठीक है मतलब ऐसे कई सारे एक कैंसर होता है एक कैंसर जो नॉर्मल आदमी को नहीं हो नॉर्मल आदमी को नहीं होगा वो होता है कपोसिस सार्कोमा कपोसिस सार्कोमा ठीक है ये कैंसर का होना भी एचआईवी के के पॉजिटिव व्यक्ति बतलाता है ये, कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो उसमें ये कैंसर होने की संभावना कई अधिक, हो, अधिक होगी या जिसको ये कैंसर है संभावना है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर बड़ी सारे यानी देखिए हर भी वो बीमारी जो इम्यूनिटी कम होने पर शरीर को अफेक्ट कर सकती है वो यहां पे देखने मिलेगी इसलिए इट्स अ बिग ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ठीक है ना क्लियर एड्स वाज़ फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द ट्वेंटी फाइव ईयर्स और ऑन

अभी नोट मत करो पेन रख दो अभी अभी नोट नहीं करो जब नोट डिटेल में बताऊंगा तब नोट करना अभी के। मतलब ये है कि क्या करते हो मालूम चल जाता है एड्स को पहली बार जो है कब देखा गया 1981 1981, 1981, 1981 में देखा गया इसको और जो है वो और ये जो है फर्स्ट टाइम ये एक अफ्रीकन पेशेंट के अंदर देखा गया ठीक है अफ्रीकन पेशेंट के अंदर देखा गया और जो है वो 25 इयर्स से अधिक हो चुका है इसका बहुत लंबा समय इसके बाद हो चुका है यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं कि पिछले कई सालों में जो है वो तकरीबन 250 लाख लोग के 25 मिलियन मतलब ये एक मिलियन दस लाख 250 लाख मतलब ढाई करोड़ से अधिक लोग जो है इससे मर चुके हैं ढाई करोड़ से अधिक लोग इससे मर चुके हैं दो मतलब पचास लाख मतलब की मृत्यु हो चुकी है अब तक और मैं कह रहा हूं आपसे कि आंकड़ा आप जो है अभी टू में आप आप डेटा देखेंगे इसका तो आप पाएंगे कि दिस इज ए क्वाइट बिग फिगर के बहुत बड़ा फिगर है बढ़कर ये 50 मिलियन या इसके ऊपर ही होगा बड़ा फिगर है

जो कहीं बैठा हुआ इंतजार कर रहा है मैं आपको कह रहा हूं कि उससे भी बड़ा एनिमी जो मनुष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है वो है प्रियोन्स और ऐसे प्रियोंस जो पोलर एंड एंड पे पोलर बर्फ जहाँ उसमें दबे हुए हैं जो जब जब अर्थ का विकास चल रहा था जब जब ओरिजिन ऑफ लाइफ चल था तब ये इस दौरान कुछ ऐसे प्रोटीन बने थे जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन थे वो प्रोटीन कहीं दब गए पोलर आइस में और ग्लोबल वार्मिंग उनको दोबारा एक्टिवेट कर सकता है ये एक हाइपोथिस के ये एक परिकल्पना है कई सारे जो दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट हैं जो इस बारे में कहते हैं इस तरह के उन्हें सिम्टम्स में इंडिकेशन उनको मिले हैं और मैं उनसे सहमत हूं ये मेरा है हो सकता है आप सहमत ना हो यह भी हो सकता है लेकिन प्रियोन्स बड़ा खतरा है और ऐसा खतरा है जो अभी तक देखा नहीं गया है वैसा खतरा है वायरसेस मैं हमेशा से बोलता हूं कि हमारा दुश्मन जब भी कभी आएगा ना वायरस के रूप में आएगा और बड़ी मानव आबादी को धरती को मेरी बात सुनिएगा बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन को आने वाले कई सदियों में जब कभी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थ को छोड़कर कहीं और शिफ्ट करेगी किसी आर्टिफिशियल प्लेनेट में किसी उड़ती हुई कॉलोनी में या किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट करेगी ना तो उसका कारण जो है कोई वॉर नहीं होगा उसका कारण होगा वायरस मतलब ये सबसे भयंकर कल, परिकल्पना है सबसे भयंकर जो है वो इमेजिनेशन है कि इस धर, अर्थ को छोड़ के किसी और प्लेनेट पर या उड़ती हुई किसी कॉलोनी में बस जाना और वो जा, क्योंकि धरती पर एक वायरस का प्रकोप है और ये सब चीजें कौन कर रहा है ये ये जो अर्थ है बहुत लंबे समय से है लेकिन क्या है कि हमने इसके अंदर जो परिवर्तन किए ग्लोबल वार्मिंग ये सबके चलते हमारी जो हैबिट्स है उसके चलते इस तरह के एजेंट एक्टिवेट हो रहे हैं ठीक है चलिए उस पर हम बात करेंगे जब ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब याद रखिए कि कि का member होता है, है अब retrovirus family की खास बात यह होती है कि इस फैमिली का जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है आर एन और डबल स्टैंडर्ड आर एन ए होता है क्या होता है रिट्रो वायरस परिवार का जेनेटिक मेटेरियल डबल स्टैंड आर एन ए होता है लेकिन एच आई वी के अंदर एच आई वी के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और वो संख्या में दो होते हैं टू होते हैं और बोथ आर आइडेंटिकल दोनों एक जैसे होते हैं टू आइडेंटिकल आरएनए के तो ऐसा मानते हैं कि एच एक ऐसा वायरस है जो दो दो वायरस है ना दो वायरस का कॉम्बिनेशन से बना है मतलब दो वायरस बनते बनते वो एक अकेला वायरस बन गया क्योंकि इसके अंदर जो कैप्सूल होता है एक अधूरा कैप्सूल होता है और एक पूरा कैप्सूल होता है मतलब एक कुछ अजीब सी चीज़ नेचर प्रकृति में कुछ अजीब घटा कि एक वायरस जो है वो रिट्रोवायरस फैमिली का वायरस जो है उसके अंदर दो आरएनए है

एनसीआरटी में आपका पेज नंबर 155 पर जो है फिगर 8.6 दे रखा है आपको थोड़ा फिगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा बेटा लेकिन आपकी एनसीआरटी में देख लीजिएगा इसको ठीक है एनसीआरटी ऐसी बुक है जो सबके देखिए आप में से कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर हम गुजरात बोर्ड के हैं हम हम जो 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 है वो जो है है वो वो बोर्ड के राजस्थान बोर्ड के हम जो है वो यूपी बोर्ड के हम एम बोर्ड के तो बेटा कोई बोर्ड आपका हो आपके पास एनसीआरटी होना चाहिए आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर आप एनसीआरटी को जो है वो अपने आ, जो है ऐप पर या अपने आ, वेबसाइट पे आप उसको अपलोड कर दीजिए तो अभी हाल ही में एनसीआरटी ने कॉपीराइट का भी निकाला उन्होंने तो आ, हम उनको जो है एनसीईआरटी को एस सच जो एनसीईआरटी उसको हम अपलोड अभी अपने सिस्टम पे नहीं कर सकते हैं आप सीधा एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए वहां पर पब्लिकेशंस करके कॉलम दे रखा है वहां पे क्लिक कीजिए आप अपना एनसीईआरटी को खुद डाउनलोड कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं इसको एनसीईआरटी का का, का, का का फ्री में अवेलेबल है वर्ड के ठीक है तो अभी हम जो जो भी हम एनसीआर कंटेंट लेते हैं तो उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हमके या हमको बताना पड़ता है आपने जो देखते हैं ना आप स्लाइड पे तो ये लोगो उसके लिए है कि एनसीआर टी बता रहा हूं मैं आपको तो ये मतलब उसका जिक्र करना पड़ता है आपको कि भाई ये सोर्स क्या है इसका एनसीआर टी सब देट इज नॉट दॉपी राइट वायोलेशन ठीक है तो अभी बड़ा सख्त कानून हो गया एक्चुअली इन चीजों के लिए इसलिए हम लोग उसको फॉलो करते हैं इसलिए लोगों दिखाना भी अब जरूरी हो गया है ठीक है

ठीक है बेटा है ना प्रोटीन का आवरण होता है कैप्सिड कैप्सिड कहते है। हम कहते हैं, हैं हम और न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड है। है वायरस में जो वो या तो आरएनए होता है, या, हो या डीएनए एचआईवी तो में सिंगल स्टैंड आर एन एम सिंगल इन्फेक्ट नॉर्मल से नॉर्मल से को इसने

डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कि आरएनए के सांचे पर डीएनए को बना सकता है के, तो ये क्या करता है वायरस के आरएनए पर डीएनए को बनाता डीएनए बन गया और ये डीएनए क्या बोलता है ये डीएनए होस्ट के डीएनए जीरो के पास जाके बोलता है कि मैं भी डीएनए हूं तुम भी डीएनए हो हम भी तिवारी तुम भी तिवारी दोस्त दोस्त हम भी शर्मा तुम भी शर्मा शर्मा शर्मा, शर्मा, शर्मा दोस्त लोग ऐसा करते ना हम भी सिंह तुम भी सिंह चलो दोस्त दोस्त ठीक है तो एक्चुअली में ये बोलता है तुम हम भी डीएनए तुम भी डीएनए चलो दोस्त दोस्ती कर लेते हैं तो ये साथ आ गया के जुड़ गया वायरल जी डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम के अब क्या कर रहा है जुड़ने के बाद बोलता है कि बॉस काम तो हमारे अनुसार ही करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे वो बनाना पड़ेगा अब ये जो वायरल वायरल जो डीएनए दि, जो जुड़ गया है न्यूक्लियर जो है वो होस्ट के जीनोम से आके अब ये पूरे डीएनए पे कब्जा करने के बाद अपने अकॉर्डिंग नए वायरल आरएनए को बनाता है नए वायरल आरएनए बनते हैं ठीक ये नया वायरल आरएनए बना देखिए आपके और और उससे फिर उस वो वाले प्रोटीन प्रोटीन है उन के के बनने के लिए को रिलीज करता है जो प्रोटीन जो है वायरस के काम आते हैं तो प्रोटीन कोट और आर बन गया तो नए वायरस बन गए और ये नए वायरस को बाहर रिलीज करता है जो और दूसरी सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं ये काम करने का तरीका है इसका वायरस हमेशा कैसे काम करते हैं वायरस हमेशा जो है वो होस्ट की मशीनरी को हाइजेक करते हैं होस्ट सेल का इस्तेमाल करते हैं वायरसेस आर ऑलवेज दी इंट्रासेलुलर पैरासाइट याद रखिएगा वायरस हमेशा जो है वो अंताकोशी परजीवी होते हैं वो हमेशा सेल के अंदर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। दे आर ऑलवेज इंट्रासोलर पैरासाइट क्लियर फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एच आईवी इन्फेक्शन जनरली कैसे एचआईवी का इन्फेक्शन आगे फैलता है कैसे एच आई वी का इन्फेक्शन आगे फैलता है उस पर हम बात करते हैं देखिए सबसे बड़ा कारण है इसका सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन के जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसके सेक्शुअल कॉन्टेक्ट में भी कोई व्यक्ति आ गया आपके ठीक है मतलब ये इसका कहने का मतलब है इट इज विद अन प्रोटेक्टेड सेक्स या के तो इसमें क्या है अब देखिए कहते हैं ना हम लोग ने हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि जो बैरियर मेथड है जो बैरियर मेथड है कॉन्डोम से दे आर वेरी गुड बैरियर मेथड क्योंकि ये एचआईवी वी के लिए कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करते हैं मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि तो ये बैरियर होता है बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं आते हैं इस सिर के इसीलिए और ये एक प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन का भी अच्छा उपाय है और साथ में ये एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ये इसका मतलब ये है कि यदि अन सेक्स हुआ तो वहां पर जो है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ में तो उससे क्या हुआ सेक्सुअल से जो है वो वायरस आगे फैल सकता है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के अब देखो एक तरीका ये भी है कि एक तर, एक फैलने का तरीका इसका मेथड ये भी है कि मान लीजिए ब्लड बैंक है किसी ने ब्लड डोनेट किया उस ब्लड को यदि प्रॉपरली चेक नहीं किया गया एच आईवी का उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं किया गया और उस ब्लड को को किसी और चढ़ा दिया गया तो एच आईवी पॉजिटिव नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा उसको भी एड्स हो जाएगा तो ब्लड से फैल सकता है ब्लड प्रोडक्ट से फैल सकता है इसलिए ब्लड बैंक में हमेशा ब्लड को देने के पहले लिखा होता है ब्लड के टेस्ट डन है इट इज एच नेगेटिव के और एच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड इसलिए लिया नहीं जाता है ठीक है बाइ शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इंट्राविडसूज के कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ड्रग की लत लग, लग जाती है आप सुन रहे होंगे आजकल टेलीविजन में काफी दिखाते हैं के जो है के बारे में काफी कुछ न्यूज आ रही है आजकल तो जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, के होते हैं तो ड्रग के नशे में होते उन्हें मालूम होता है कि हमें एक नीडल सबको यूज नहीं करना है पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं लेकिन ड्रग्स लेने के बाद में उनको भूल जाते हैं फिर ड्रग्स लेने के बाद में ड्रग उनका ब्रेन कंट्रोल करती है ड्रग्स तो ऐसे क्या करते हैं एक निडिल में उन्होंने जो जो है न, जो है वो नशीली दवा को लिया उन्होंने खुद इंजेक्शन लगाया दूसरे को लगाया और वही निडिल को जो है मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या होता है कि को, कोई इंफेक्टेड हुआ तो फिर इंफेक्शन आगे फैल जाता है ठीक है डॉक्टर्स को भी जो है वो इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है डॉक्टर्स को भी कि वो जो है वो आ, जो भी आपके डिस्पोजेबल सिरिंजेस का निडल्स का वो, वो इस्तेमाल करते हैं और हमारे सबके पास में जो है वो निडल यूज करने के बाद में उसको डिस्पोज करने की एक मशीन होती है वो निडल को तोड़ने के लिए होती है उसमें नीडल डाल दिया तो नीडल को वो ब्रेक करे ताकि को कोई री ना कर ले

The who have partners, के ऐसे लोग जो कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास में विजिट करते हैं जो कमर्शियल सेक्स वर्कर को विजिट करते हैं ये वो लोग होते हैं के जो मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर जिनके होते हैं के फिर ड्रग एडिक जो ड्रग्स को लेते हैं वो लोग हैं के और स्पेशली इंट्रा बिजनेस ड्रग को लेने वाले

एक सर्वे किया गया कि भाई सबसे अधिक हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है आपको बता रहा हूं इंटरेस्टिंग बात के एक सर्वे किया गया तो मालूम चला कि सबसे अधिक हाई रिस्क पॉपुलेशन जो एचआईवी के लिए सबसे अधिक जो है वो प्रॉन है वो है ट्रक ड्राइवर्स ठीक है ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये एक सर्वे एक, एक सर्वे हुआ और ये सर्वे शायद इंडिया टुडे ग्रुप ने किया और उन्होंने बकायदा एक आर्टिकल भी छापा कई साल पुरानी बात है एक आर्टिकल भी उन्होंने छापा और बताया उन्होंने कि भारत के अंदर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं दे आर एंड कोई भी प्रोफेशन में जो लोग हैं उनमें सबसे अधिक जो एच पॉजिटिव जो लोग हैं वो ट्रक ड्राइवर्स है कारण उसके पीछे ये उन्होंने कहा कि दे आर ऑन लॉन्ग रूट वो हमेशा जब मान लो कोई ट्रक साउथ से जो है वो कश्मीर जा रहा है के तो बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं और जो भारत के रास्ते सड़कें ऐसे हैं कि बड़ा लंबा है जो नॉर्मल सफ़र जो अमेरिका में जब दे, आप देखेंगे ट्रक की लैन अमेरिका में और आप देखेंगे यूरोप में देखेंगे तो ट्रक की लेन ही अलग होती है ट्रक बड़े हाईटेक ट्रक होते हैं ट्रक की लेन ही अलग होती है और उस लेन में कोई दूसरा गाड़ी नहीं आता और वो बड़ा फास्ट ट्रक होते हैं वो सड़कें एकदम बेहतरीन होती हैं हमारे यहाँ पे कई स्टेट में रोड, रोड काफी अच्छे कई स्टेट में रोड अच्छे नहीं है तो होता यह कि लंबा सफर होता है कई 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 दिन कही -कही दिन तक वो ट्रक ड्राइवर जो है वो वो और उसके साथ में एक क्लीनर जो होता है वो लोग अकेले दोनों जो है वो लंबा सफर तय कर रहे होते हैं घर परिवार से दूर होते हैं वो लोग के और आइसोलेटेड होते हैं और उनको जहां जहां भी वो ढाबे धा, पर रुकते हैं वहां वहां पर जो है वो कमर्शियल सेक्स वर्कर के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो उसको अरेंज कर रहा होता है ये फील्ड रियलिटी है और वो लोग क्या करते हैं वो लोग जो चूंकि वो इतने लंबे सफर में हैं अकेले हैं घर परिवार से दूर भी हैं के तो दे और दे डोंट हैव एनी अदर आ, मी, आ, मीन ऑफ एंटरटेनमेंट समझ लीजिए आप इसको तो वो इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्स आते हैं उनके और इसीलिए और सबसे बड़ी बात है कि उनका लिटरेसी लेवल उनका ज्ञान का लेवल भी कम होता है तो ये सब बड़ी समस्याएं होती है इसलिए जो है वो तो जो है इस जो है तो इस सर्वे में ये आया कि भाई हमको किसी किसी ग्रुप को अवेयर करना है एजुकेट करना है तो ये वो ग्रुप है जो हाई रिस्क वाला ग्रुप है तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए एजुकेशन का उनको एजुकेट करने के लिए उनको स, जो है वो समझाने के लिए उनको बताने के लिए सरकार ने एक बड़ा मिशन मुहिम चलाया हुआ काफी साल पहले की बात है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एच आईवी एड्रेड टिजिकलटेक्ट इट स्प्रेडली थ्रू दी बॉडी फ्रूडी से दूसरे तो को नहीं लग जाएगा कोरोना लग सकता है कोरोना लग सकता है थीके? लेकिन यह नहीं लगता इसके फैलने का एक ही तरीका बॉडी फ्लू आपस में दो लोगों के बॉडी फ्लू कॉन्टेक्ट में आएंगे तो यह फैल सकता है ठीक है इट इज

उनको थोड़ा लगा तो उन्होंने कराया, तो कोरोना तो ये में हो उनके, जहां बंद कर दिए लोग जो है देखकर मुंह परट लिया करते थे लोग बाकी इनको कोरोना है समझ में आती है सुरक्षा अच्छी बात है समझ में आती है लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है वो आदमी को लगता है कि पता नहीं मुझसे कौन सी गलती कौन सा पाप मैंने कर दिया कोई किसी को कोरोना पॉजिटिव निकला है तो उसको लोग देखने लगे ऐसे करके ये तो चलो कोरोना है तो ये तो फेल भी सकता है मान लिया लेकिन इससे भी बुरी कंडीशन होती है कि कोई यदि एच पॉजिटिव व्यक्ति हो गया है किस कारण से उसको एच हुआ है इसकी जाँच करने के बजाय लोग उसके ऊपर कैरेक्टर को लेकर सबको लेकर लोग बोलना शुरू करते हैं दूरी बना बनाते हैं लोग उसके आसपास से नहीं आते तो इससे क्या हुआ कि जब जब कई लोगों ने जो ऐसा कहते हैं कई लोग जो एचआईवी पॉजिटिव थे उन्होंने सुसाइड भी कर लिया इसलिए कैसे कैसे रह पाएंगे तो लिखा है इसमें सब एनसीईआरटी में, एन में कि इसलिए जो है वे, जो इस व्यक्ति को जो चाहिए पॉजिटिव व्यक्ति है उसको परिवार से उसको समाज से दूर नहीं करना चाहिए ताकि वो मानसिक तौर पर और अपने फिजिकल तौर पर वो फिट रह सके वो देर इज ऑलवेज ए टाइम लेक बिटवीन द इन्फेक्शन एंड एपरेंस ऑफ एड सिम्टम्स के मतलब ये कि हमेशा इंफेक्शन होने पर और उसके पहले बार सिम्टम आने में एक लंबा समय होता है इसमें और ये समय जो है कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक का हो सकता है यानी पांच से दस साल यानी इनक्यूबेशन पीरियड यानी एच का इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो काफी वेरी करता है ये कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक का हो सकता है ठीक है

Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. हमारी बॉडी की हमारी बॉडी की कुछ सेल से दोस्ती कर ली बोला उससे उसने कि भाई देखो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे हमको बस ये है कि तुम्हारी मशीन इस्तेमाल करने दो बहुत कई लोग होते हैं कि जो अपने ही देश में रहकर जो है वो दुश्मन का साथ दे रहे होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं तो ऐसे क्या किया इसने इसने जो है इंटर किया किसमें मैक्रोफेज में के इंटर इनटू दी मैक्रोफेज के ये मैक्रोफेजेस में इंटर किया मैक्रोफेज कहते हैं टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट सेल होती हैं ये इम्यून इम्यून सेल होती हैं और वहां जाके क्या किया इसने अपने आरएनए जीनोम को इसने अंदर इंट्रोड्यूस किया और उससे उसने डीएनए को बनाया और वो डीएनए जो है वो कैसे बनाया उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की हेल्प ली उसने और डीएनए बनाया देखा था भी हमने चार्ट में हमने देखा था कि वायरस का आरएनए एन मैक्रोफेस के अंदर गया और जाने के बाद उसने अपने उसने अपने अपने रिवर्स एंजाइम का इस्तेमाल किया डीएनए 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 को बनाया और वो बोला हम भी तुम भी डीएनए बताया था ना अभी कि हम भी तिवारी जी तुम भी तिवारी जी हम भी शर्मा जी तुम भी शर्मा जी हम भी वर्मा जी तुम भी वर्मा जी हम भी सिंह तुम भी सिंह भारत ऐसे ही चल रहा है हम भी यादव तुम भी यादव है ना

कुछ प्रोटीन है वो बना दो दोस्ती आ रही है वो बनाया था उसको वोट के तो नए वायरस फाइट कर मतलब सोचो इट ये ये दिस वायरस यूज मैक्रोफेज एज लिविंग मशीन के ये मैक्रोफेज का इस्तेमाल लिविंग मशीन के रूप में करता है मैक्रोफेज को बोलता है तुम एच के अंडे दो भैया बना बना के दो एच आईवी हमको लिविंग मशीन के रूप में यूज कर रहा होता है देखिए आप है ना फिगर नंबर 8.6 पॉइंट क्या लिखा इसने द मैक्रोफेजेज कंटिन्यू टू मैक्रोफेज इतना भोला भाला है ये ये इतना भोला भाला है कि ये चाल को समझ ही नहीं पाया ये ये बहुत भोला भाला है इस चाल को नहीं समझ पाया ये ये दोस्त नहीं आया अंदर दुश्मन अंदर आ गया है के और बोल रहा है बनाए जाओ वायरस बनाए जाओ वायरस के बनाने वायरस द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड दिस वे एक्ट एज लाइक लाइक एच आई फैक्ट्री अभी क्या बन गया ये एचआईवी की फैक्ट्री बन गया और असली था अब आप बोलोगे सर इससे क्या नुकसान हुआ अरे भाई इस एचआईवी को तो असली इंतजार था कि चुन-चुन के मारेंगे किसको टी सेल को हेल्पर टी सेल को किसको हेल्पर टी सेल को चुन-चुन के मारेंगे क्यों मारेंगे क्योंकि यही वो सेल है जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बीटा सेल को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती है यदि इनको मार दिया तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा क्या किया उसने और लेकिन इसको इस इस भोले भाले नहीं है वो के टील इंफोसाइट समझ गए ना कि तुम्हारी चाल क्या थी तुम तो मिलके मारेंगे सब लेकिन इसने वहीं घुस चला गया उसी को उसने मारना उससे के अंदर गया और मार दिया के। मतलब ये टारगेट ये क्या किया इसने इसने जो सुरक्षा करने वाले गार्ड थे उनको ही एक एक करके मारना शुरू कर दिया इसने ठीक है The Prozani virus released in the blood attack other helper T lymphocytes के मतलब धीमे धीमे करके इनकी वायरस की संख्या बढ़ रही होती है और ये हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट को गिन गिन के चुन चुन के उन्हें मार रहे होते हैं ठीक है

पर्सन सफर फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर डायरिया एंड वेट लॉस व्यक्ति को बुखार आएगा वजन कम होगा उसका पेट खराब क्यों आता है।, है, है शुगर चेक कराता है शुगर नॉर्मल डायबिटीज में वजन कम होता है पर बुखार नहीं आता डायबिटीज भी नहीं है कोई बीमारी भी नहीं आ रही पकड़ में तो एक्चुअली में ये वायरस है अंदर ठीक है ड्यू टू

जिन बीमारियों का वैक्सीन लगा हुआ था बीमारियों का वैक्सीन फेल होना शुरू हो जाएगा यहां पर क्या लिखा इसमें due स्टार्ट सफरिंग especially mycobacteria, वायरसेस fungi, एंड इवन parasite लाइक टॉक्सोप्लाजम के देखिए मतलब जो जिन इन्फेक्शन को बॉडी नॉर्मली भगा देती है नॉर्मली वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कुछ बिगाड़ नहीं पाते हमारा जुकाम होगा तो हमेशा बना रहेगा कभी जुकाम खत्म नहीं होगा मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा ये सारी चीजें टॉक्सोप्लाजमा नॉर्मली इन्फेक्ट इन्फेक्ट नहीं करेगा पर अभी कर देगा तो ये वो सारी बीमारियां जिनसे हमारी बॉडी नॉर्मली लड़ लेती है जिन इन्फेक्शन को रोक देती है वो सारे भी व्यक्ति को होने लगेंगे इन्फेक्शन ठीक है द देशेंट बिकम सो इम्यूनो और पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाएगी दैट सी और सी और ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट Himself, के मतलब जो साधारण से इन्फेक्शन है उनसे भी व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा और लंबे समय तक के लिए बीमार रहने लगेगा अब पता कैसे लगाए पता कैसे लगाए कि किसी को एच आई वी इन्फेक्शन है या नहीं है तो उसका एक टेस्ट है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉरवेंट ऐसे यह इसका सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के लिटके तो एड्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो स्क्रीनिंग टेस्ट है पहले राउंड में जो टेस्ट कर लगाते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या बेटा वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो है आपका एलिसा के यदि एलिसा एलिसा टेस्ट यदि पॉजिटिव आ गया यदि ये पॉजिटिव आ गया तो फिर एक टेस्ट और लगाते हैं एक टेस्ट और लगाते हैं जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यदि ये पॉजिटिव आ गया मतलब 100 व्यक्ति को एड्स है ठीक है ना एलिजा टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद एक टेस्ट और लगाते हैं जिससे है कि इन्फेक्शन सो परसेंट है या नहीं है ठीक है महंगा है और महंगा टेस्ट पहले हमने एक राउंड वन टेस्ट कर लिया हमने पॉजिटिव आएगा तो जी टेस्ट करेंगे वो नेगेटिव आया तो उसकी जरूरत ही नहीं है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विच एंटी रिट्रोवायल ड्रग इज ओनली दी पार्शियली इफेक्ट मैंने कहा ना एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जिडोबुडीन हो गया एक मेडिसिन होता है जिडोबुडीन जिडोबुडीन ठीक है है ना तो ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं एंटी रेट्रोवायल थेरेपी जो होती है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है केवल वायरस के मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा स्लो करता है और इससे एक आदमी जिसको पांच साल जीना है वो आठ साल जी जाता है लेकिन बीमारी को क्योर ये नहीं कर पाता है। कैन ओनली प्रोलॉन्ग दाइफ ऑफ देश बट कैन नॉट प्रच इज इन मतलब तय है अब ये है कि यदि इन्फेक्शन हुआ उसके पांच साल बाद मरता आदमी तो सात साल बाद मरेगा आठ साल बाद मरेगा अच्छे से यदि ध्यान रखा गया दस साल बाद मरेगा लेकिन वो मरना तय है उसमें तो खतरनाक बीमारी है अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द वे टू कैसे प्रिवेंशन एड्स से प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि देखिए एज एड्स हैज नो क्योर प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन मैंने कहा ना एड्स का कोई उपचार नहीं है तो सावधानी ही बचाव है कि सावधान रहेंगे तो ही बच पाएंगे ठीक मोरेवर एचआईवी इंफेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपंस inevitably like pneumonia or देखो अब सिंपल सी बात के एचआईवी इंफेक्शन की सबसे खास बात ये है कि ये वो है कि जो बेसिकली आदमी के व्यवहार बेव, पैटर्न से होता है मतलब जैसे टाइफाइड है निमोनिया वो किसी को कभी भी हो सकता है वो कोरोना है टाइफाइड है निमोनिया है ठीक है ये कॉल रहा है जो भाई कब गलती से खाने में कुछ आ गया हो गया लेकिन ये तो बिहेवियर वाली बात है कि एक व्यक्ति के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं एक व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है मल्टीपल टाइम उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते हैं वे सबसे अधिक प्रण होते हैं इन्फेक्शन के लिए बोर्न पुअर मॉनिटरिंग अब सिंपल सी बात है यहां पे जो है वो यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शन फैल रहा है माँ से बच्चे को रहा है, तो मतलब यहां पर क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन ध्यान नहीं रखा गया इसलिए इंफेक्शन फैल गया अदरवाइज जो इन्फेक्शन बाकी लोगों में फैल रहा है जैसे तो मैंने कहा ड्रग एडिक्ट की बात करें हम क्या जो इम प्रॉपर बिहेवियर जिन लोगों का उनकी बात करें तो जो जो मैंने कहा प्रॉपर जिनका सेक्सुअल बिहेवियर है उन लोगों को ये फैलता है ठीक है दी ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज बीन राइटली दट डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस देखिए बड़ी बात कहा जाता है कि एकमात्र था मुझे मालूम नहीं था कैसा भी होगा तो कहा जाता है कि जानकारी रखिए कि आप अज्ञानता थे आपको मालूम नहीं था इसलिए मर रहे हैं ये मत कीजिए के डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस के कि आपको मालूम नहीं था आप लापरवाह थे इसलिए जो है वो मृत्यु को आपने गले लगा लिया के खतरनाक चीज इन अवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेजेशन आर डूंग aids लॉट टू एजुकेट पीपल AIDS के एड्स की train चलती है Red Ribbon Express Red Ribbon Express गांव गांव गाँग तक पहुंचती है ये. जहां जहां पर पटरी है यहां रेलवे की पटरी है जी, जी जो गांव रेलवे के पटरी के आसपास है रेलवे स्टेशन के आसपास है वहां ये ट्रेन पहुंचती है रुकती है और स्कूल के सारे प्रिंसिपल्स को सबको बता दिया जाता है कि भाई ये रेड रिवन एक्सप्रेस आने वाली जिला प्रशासन को खबर करता है आंगनबाड़ी को, को सारे बच्चे सारे टीचर सब इकट्ठे होकर जाते हैं वहां पे और वहां पे जो एग्जीबिशन लगी होती है एड्स के बारे में बताया गया होता है सिम्टम के बारे में बताया गया होता है ठीक है कुछ मूवीज दिखाई जाती है ऐसी तो उससे वो बच्चे को लोगों को अवेयर करने की वो कोशिश करते हैं ठीक है डब्ल्यू ज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रीवेंट दिवेंट दफ एच आई वी इन्फेक्शन के डब्ल्यू एच ओ भी जो है वो कई सारे ऐसे प्रोग्राम चाहता है जिसके चलते वो उसका पर्पज यही है कि लोगों में चाहे एच आई वी इन्फेक्शन के प्रति लोग जानकारी ले पाए आप और इन्फेक्शन जो है वो आ, मतलब ऐसा न हो कि आदमी को मालूम ना हो इसलिए इन्फेक्शन फैल जाए मैकिंग ब्लड इसलिए ये ये नंबर एक पहला स्टेप ये उठाया गया कि हमेशा ब्लड बैंक को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कोई भी ब्लड जो आप अपने पास रखेंगे या कोई ब्लड जो आप किसी को देंगे वो एच आई वी के लिए टेस्टेड होना चाहिए ठीक है नंबर दो

मैं मेरे पास यहाँ पे है नहीं मैं तो आ, आपको दिखाता मैं तो छोटे छोटे से नीडल्स होते हैं उसमें जो एक जो क्या होता है एक मशीन जैसा होता है उसमें के वो निडल दिखाई नहीं पड़ेगा आपको के जैसे आपने जो है वो व्यक्ति के फिंगर पे रखा आपने और एक बटन को प्रेस किया आपने वो प्रिक करेगा और निडल वापस अंदर चलाएगा ताकि निडल किसी को लग ना जाए वो ब्लड बाहर निकला आप ब्लड को ले लीजिए उस पर शुगर चेक कर लीजिए वो आपको दिखाई भी नहीं पड़ा वो के आपने टच किया बटन दबाया ने प्रिक किया वापस चला गया ताकि उस निडिल कोई गलती से उसको चुभ ना जाए किसी को वो। तो इस तरह के उपाय बहुत सारे जो है वो अपनाए जा रहे हैं यहां पे हमारे यहां है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ऐसी कई सारी फैसिलिटीज पहुंच चुकी है फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स के अब जैसे मैंने आपको बताया ट्रक ड्राइवर का किस्सा मैंने बताया आपको कि ट्रक जो हमारे इंडिया में ये एक बड़ी समस्या है तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने उन्होंने ढाबों पे बता रहा हूँ पूर्व जिला प्रशासन ने उसने जो ढाबे थे इस तरह के वहां पर उन्होंने जो है वो फ्री अस्पताल में मिलने वाले जो फ्री कंडोम से वो रखवा दिए उन्होंने

ऐसा है कि अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि ये तो होना नहीं चाहिए उनको ये काम नहीं देखो बहुत सारे मैंने कहा सोशल बहुत सारे इस जो है चीजें हो सकती हैं उसमें लेकिन अब ये मान लो क्या क्या होता है किसी व्यक्ति को आप जो है वो नैतिक उपदेश पाठ लगातार बहुत सारा देना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो जो कर रहा है ना उसमें आप उसको बोल देते हैं कि भाई देखो ये तरीका ठीक नहीं है ना करो अच्छा है लेकिन यदि कर रहे हो तो इसको ये इन चीजों को ध्यान रखिए तो उनको भी एजुकेट किया गया तो वो टेक विद देम बरियर को साथ के चलती है। तो ऐसे करके मतलब देखो कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा अब यहाँ पे जज मत कीजिए कि सरकार क्या कर रही है लोग क्या कर रहे हैं मैं कह रहा हूं आपसे कि हमारा उद्देश्य ये बीमारी दूर रहे लोगों को मॉरली हम जो है वो इंप्रूव करने की ग्रेजुअली धीमे धीमे कोशिश कर समझा रहे हैं

इतना जुर्माना हो गया फिर कैद भी साथ में हो गया लेकिन ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं मतलब, जहां पर ड्रग इस, इस लेवल का बैन पकड़ा साथ मिला तो आदमी के को मृत्यु दंड के अलावा कोई सजा ही नहीं उसकी ठीक है डेथ पेनाल्टी ही एकमात्र सजा है उसकी ऐसे कंट्रीज भी हैं देन एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर एच इन

कल की बात है कि मैंने एक पोस्ट शेयर किया मैंने देखा मैंने कि लोगों ने बताया बच्चों ने टीवी में देखा मैंने मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखे मैंने और बहुत सारा मैंने जो है वो मीडिया जो था ना टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके जो जागरण है तमाम जो उनके जो है इन शॉर्ट में, में एक ऐप उसमें का तमाम अखबार के न्यूज़ आते हैं तो मैंने देखा उसमें कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए सरकार ने जो अरेंजमेंट किए उन्होंने सेंटर्स पर उसकी बच्चों ने तारीफ की कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया उन्होंने दूर दूर रखा उन्होंने हमको उठ के हमको जो है सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत आई थोड़ी सी हमको लेकिन सरकार ने उड़ीसा में कई जगह पर सरकार ने बसेस बसेज लेके गई है इंफॉर्मेशन मतलब यहां मोहल्ले में बस स्टॉप आएगा वहां बैठी बस में बस में डिस्टेंसिंग फॉलो किया गया वहां लेके पहुंचे वापस और मतलब मैं कहता हूं कि हमारे देश में इतना सरकार यदि कर रही है तो वी शुड से थैंक्स टू गवर्नमेंट तो मैंने इस पोस्ट को डाला मैंने लिखा उसमें कि इट गुड न्यूज कि एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं कर रहे हैं आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं एसओपी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग के और जो है वो बच्चों को पहले से बाहर से बैरिकेड लगा रखे उन्होंने और जो है वो कह ध्यान रखते हुए बच्चों को वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो और वो ध्यान रख रहे हैं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है और इस बर से प्रार्थना करते हैं ऐसा ही अच्छा जो है व्यक्ति को करना चाहिए लेकिन बच्चों ने कई बच्चों लिखा है उसमें नीचे कल मालूम चलेगा असलियत देखना क्या होने वाला आगे ये नेगेटिव एटीट्यूड है बेटा ये नकारात्मक एटीट्यूड है आप किसी चीज को अच्छा देखते हैं और आप ये इसकी उम्मीद करते हैं कल बुरा होगा मतलब आप खुद चाहते हैं कि बुरा हो यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो नजरिया एकदम सकारात्मक रखिए आपके देखिए ना सरकार कितना बड़ा रिस्क ले रही इतना बड़ा वोट बैंक है उसका क्यों रिस्क ले रही उसको मालूम है कि आप आज बुराई करेंगे कल लेकिन आप बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट ने किया था वो ठीक था उसे मालूम है कि करियर को दाव पर नहीं लगाएंगे भी। उसे मालूम है कि हम एसओपी को फॉलो करवा सकते हैं लेकिन आदमी दूरी दूरी पर टेबल लगा के बैठे अब कौन करेगा बाहर खुद इकट्ठे होंगे भीड़ बनाएंगे बोलेंगे एसओपी फेल क्यों करेंगे भाई ऐसा क्यों चाहते हैं हम अपने प्रदेश का इतना बुरा क्यों हम चाहते हैं कि सरकार फेलू वाई वी वॉन्ट दैट नहीं ना बेटा मेरी बात बहुत बुरी लगती कई लोगों को कई लोग मुझे कोचिंग माफिया बोलने लगे हैं कई लोग मेरे को बोलने लगे कि इसका तो ये ये अपना अक्त देख रहा है कि मेरा अगला बैच होगा ये होगा अरे भाई छोड़ो कहां लगे हो तुम तो? आप 2021 20 ट्वेंटी वन के बच्चे हैं। कि मैं आपको बता रहा हूं केवल मैं बता रहा हूं बेटा कि जिंदगी में एक बात याद रखना ठीक है कोई भी दृष्टिकोण जो होता है ना उसको संकीर्ण नैरो मत रखो करो उसको देखो उसको सामने वाले के परस्पेक्टिव से देखो अपने से देखो और तीसरे एंगल से देखो ट्रेन के जैसा है ट्रेन में बैठ के निकल है। तो खिड़की के बाहर में खंबा दौड़ता दिखाई पड़ता है फॉर्म दौड़ता है एक्चुअली ट्रेन चल रही है हम तो बैठे हुए अपनी जगह पे, पर आपको खंबा दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है आदमी निकलता दिखाई पड़ता है है ना वहां जो आदमी बाहर खेत में खड़ा है उसको तुम निकलते दिखाई पड़ते हो नजरिया है मैं चाहता हूँ पर करें सरकार सफल हो एसओपी को फॉलो करा पाए हम सब लोग फॉलो कर पाए सब कुछ ठीक ठीक हो किसी को कुछ ना हो गलत हूँ क्या मैं यदि मैं इस बात को शेयर करता हूँ कहता हूँ नहीं सब अच्छा हो थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट गलत हूँ क्या मैं क्या मैं सरकार को ये नहीं बोल सकता कि सरकार तुमने गवर्नमेंट से बोल सकती कि तुमने जो किया चलो तुमने नहीं बढ़ाया जो एग्ज़ाम में अच्छी बात है लेकिन आपने जो कर रहे हो अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे बुरा करेंगे तो बोलेंगे गलत भी किया आपने क्यों ना बोले है ना बेटा तो मैं आपसे देखो मैं उन बच्चों की नहीं बात करता मैं आपसे बोलता हूं सिर्फ इतना सिखाना देता हूं कि ये जो जो पढ़ते ना कि हमें लगा कि अब हमने एक व्यू कि ये तो गलत है नहीं ऐसा मत बोलिए जजमेंटल मत बोलिए आप बोलते ना कि ये तो गलत है यूर जजमेंटल इसका और बेहतर तरीका यह हो सकता है कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो ऐसा हो जब आप आदमी को ऐसे बोलते हो आदमी फिर मोल्ड होता सोचता आदमी तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पॉपुलेशन ससेप्टिबल है जिसको इन्फेक्शन के चांसेस हैं उसको रेगुलर चेकअप कराते हैं हम के जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उनको भी हम रेगुलर चेकअप कराते हैं और हम लोगों को समझाते हैं कि भाई नंबर एक कि आप अपने life, जीवन में मॉरलिटी को इंप्रूव करें मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यदि वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो तो हम यही बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट यूज वेरियर मेथड सेफ सेक्स को पर...

और इसके चलते इन्फेक्शन कई लोगों को फैल जाता है ठीक है वी और एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी ऑफ सिंपेथी सोसाइटी समाज उनके को काट के अलग बोले समाज से काट दिया जाए उनको अलग कर दिया जाए उनको, उनको बोला जाए कि नहीं तुम तो खराब कैरेक्टर के आदमी हो तुम्हारा चरित्र खराब था तुम्हारा ये खराब था तुमने ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे इसलिए तुमको हुआ जाओ इस मोहल्ले में नजर न आ रहा इस गांव में नजर न आ रहा क्या होगा आदमी आदमी रिवेंज से भरेगा उसको लगेगा कि और फिर क्या करेगा फिर वो ऐसी हरकतें करेगा जिसके चलते वो बीमारी और लोगों को फैल जाए वो वो चाहेगा मेरे जैसे और लोग बड़े अभी मैं अकेला हूं इसलिए सब लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे को तो ये मानव साइकोलॉजी है तो बात इतनी सी है कि सोसाइटी को चाहिए कि भाई किसी को यदि हो गया है तो उसको ठीक है कोई बात नहीं हो गया है तो अब चलिए इसका ट्रीटमेंट इसका तरीका और क्या हो सकता है तो मतलब देखिए मैं कहता हूं प्यार की भाषा जो होती है ना लैंग्वेज ऑफ लव लैंग्वेज ऑफ सिंपैथी इम्पैथी इसको जानवर भी समझता है इसको जानवर भी समझता है मैं देखता हूँ कई लोगों का नजरिया बड़ा खराब होता है इसे मेरे मेरे एक एक पोस्ट में मैंने देखा किसी ने लिखा कि मेरे घर में एक बिल्ली है उस बिल्ली को मैं रोज मोटिवेट करता हूं और एक दिन वो बिल्ली शेर बन जाएगी उसने मेरे मोटिवेशनल सेशन का मजाक उड़ाते हुए लिखा उसने कि मेरे घर में एक बिल्ली है उस बिल्ली को मैं जो है वो रोज मोटिवेशन दिखाता हूं एक दिन वो शेर बन जाएगी देखो भाई ऐसा है बिल्ली शेर बने ना बने लेकिन यदि आदमी के जीवन में प्रेरक मोटिवेशन या प्रेरक प्रसंग रहेंगे उसको लगातार मोटिवेशन रहेगा ना तो व्यक्ति अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है कोई भी इंसान जो है वो मोटिवेशन को से या मोटिवेटेड मोटिवेशन सेशन को सुनने के बाद वो ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो देवता बन गया या इंसान जो है वो सुपरमैन बन गया वो रहता इंसान ही है सोचने का तरीका केवल बदल जाता है उसका और सोचने के तरीके से ही सब कुछ डिसाइड उसी 24 घंटे वही 24 घंटे जो है वो हर व्यक्ति के पास होते हैं कौन कैसे इस्तेमाल करता है कौन कैसे लोगों से डील करता है उस पर ही सफलता तय होती है उसी पर असफलता तय होती है ऐसे लोग जो बुराई निकालते हैं ऐसे लोग जो नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं वे जिंदगी में जाने कहां पिछड़ जाते हैं ना जीते जी कोई याद रखता है ना मरने के बाद कोई याद रखता है ठीक है चलिए अनलेस सोसाइटी रिकॉगनाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डील विद इन ए कलेक्टिव मैनर दानीज मैनी फोल्ड के सिंपल सी बात है समाज को यह समझना पड़ेगा कि एच एक गंभीर समस्या है और इस समस्या को हमारे समाज में फैलने से रोकने के लिए हमको बहुत सारे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को समझाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत होती है स्कूल से कि स्कूल्स में ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन है इसके बारे में जानकारी उस बच्चों को होना चाहिए ठीक है

तो कोई बच बची नहीं सकता भाई समाज जैसा होगा ना सिस्टम आपका वैसा होगा आप कहते हो सिस्टम ऐसा है इसलिए हम ऐसे नहीं आप बदलिए सिस्टम अपने आप बदलेगा सिस्टम हम लोगों से बनता है सिस्टम से हम नहीं बनते सिस्टम हम लोगों से बनता है ठीक है तो वही वाली बात है कि बातें के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है के 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 लिए लिए भी हमको इसे लिए हमको इसे कंट्रोल करने जो है वो मेडिकल uh, फैसिलिटी को को के, समाज को डॉक्टर्स समाज सोसाइटी में जो लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर है उन सबको जो है वो एक साथ मिलकर काम करना होता है ठीक है चलिए तो अब ये तो हमने बात की किसके बारे में हमने ये बात की जो है वो एच आई का अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम ऐसे हैं जो हमारे एनसीआरटी में नहीं है उनको थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं ठीक है फर्स्ट इंडिकेशन दिस इस सिंड्रोम का 1981 एनसीआईटी में एनसीआर पर बीमारी पहली बार देखी गई थी यूएसए के न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के यूएसए में ये न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया बीमारी को पहली बार दिखा गया था ठीक है फुल फॉर्म हमको मालूम है ऑलरेडी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है इट इज एन इंफेक्शियस डिजीज कॉज बाय वायरस के ठीक अब जो नहीं लिखा एनसी में वो दिख लीजिए इन नाइन लू मोन्टेगन फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड द कॉजल एड्स उन्नीस सौ तिरासी में लू मॉन्टेगन ने पहली बार एड्स के कारक जीव को उन्होंने पृथकृत किया ही आइसोलेटेड ए रिट्रो वायरस फ्रॉम अफ्रीकन पेशेंट इन्होंने पश्चिमी अफ्रीका के एक पेशेंट के ब्लड से एक रिट्रो वायरस को निकाला एंड call it lymphadenopathy वायरस है LAV कहा इन्होंने इसको कॉल it lymphadenopathy-associated वायरस इसको उन्होंने lymphadenopathy-associated वायरस LAV कहा किसने बेटा लू मॉन्टेग ठीक देन नाइनटीन एट्टी फोर इन लोगों को बाद में नोबल प्राइज मिला। रॉबर्ट गैलो ऑल्सो आइसोलेटेड एरेट्रो वायरस फ्रॉम दी एट्स पेशेंट इन्होंने भी

टी सेल लिंफोट्रॉपिक वायरस ह्यूमन टी सेल लिंफोट्रॉपिक वायरस को कहा गया ठीक है ह्यूमन को कहा गया ठीक है क्लियर इन 1986 1986 में वायरल एट्टी सिक्स में इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरल नॉमन कल्चर ने इसको एचआईवी नाम दिया प्रपोज इम्यूनो इम्यूनोडिफेंसी वायरस एचआईवी प्रोड्यूस इन्फेक्शन इन दी पेरिफल ब्लड एच आई वी परिधि रक्त में पेरिफल ब्लड में इन्फेक्शन करता है इट अटैच दी फोर लिंफोसाइट ये टी फोर लिंफोसाइट पर संक्रमण करता है ठीक है एड्स के मुख्य लक्षण क्या होते हैं मेन फीचर ऑफ एड्स एड्स के मुख्य लक्षण क्या होते हैं नंबर एक

चूंकि चूंकि चुकी, चुकी इम्यूनिटी घट रही होती है तो उसे कंपनसेट करने के लिए बीटा सेल को अधिक काम करना पड़ता है चूंकि सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बीटा सेल अधिक काम करती है तो बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है ठीक है जो बहुत इफेक्टिव तो नहीं होता है पर बढ़ जाता है हाइपर गामा हाइपरगामाग्लोबिन में आईजीए और आईजी जी का लेवल बढ़ जाता है सेलुलर इम्यूनिटी घट जाती है कोशी प्रतिरक्षा घट जाती है और कॉमन इन्फेक्शन सामान्य इन्फेक्शन जो है वो गंभीर गंभी हो जाते हैं कॉमन इन्फेक्शन के साधारण इन्फेक्शन होते हैं वो गंभीर हो जाते हैं ठीक है एच आई वी रिट्रो वायरेडी फैमिली में आता है इट इज स्फेरिकल शेप याद रखिएगा ये गोलाकार स्फेरिकल और इनवेल वाला वायरस होता है ठीक है इसका साइज 90 से लेके 120 ट्वेंटी का साइज होता है ठीक है ओनली वायरस जिसमें याद रखिएगा इट इज दायरसम की डिप्लॉड जीनो होता, होता है एक जैसे दो आपको आर एन ए देखनेस टू आइडेंटिकल सिंगल स्टर इसमें दो एक समान दिखने वाले सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एट हैज टू आइडेंटिकल सिंगल स्टैंड आर एन ए इसमें दो एक समान दिखने वाले आर एन ए होते हैं जो कि रिट्रोवा एक सबसे विशेष लक्षण है उसमें आपको एनजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट देखने जरूर मिलेगा ठीक है, है जो वायरस का इनवेलफ है ध्यान रखिए जो इनवेलप होता है वो बना होता है बने वायरस का जो इनवेलप है जो आवरण है वो बना होता है लाइपोप्रोटीन से बना होता है लिपिड प्रोटीन से बना होता है और जो उसके स्पाइक होते हैं उसमें वो ग्लाइको प्रोटीन से बने होते हैं ठीक है थीके? वो ग्लाइको प्रोटीन वायरस का जो इनवेलप ऑन द इनवेल एच आई वी एच के इनवेलप पर

एचआईवी का इनविलप है जो लिपिड प्रोटीन से लाइको प्रोटीन से बना होगा और जो स्पाइक्स है वो एच ना वो क्या है बेटा ये है स्पाइक्स ये ये क्या है ये है बेटा स्पाइक्स ठीक है और इनविलप के अंदर क्या है वायरस का कैप्सूल होता है एचआईवी का कैप्सिड है और अंदर आपको एच के आरएनए दिखाई पड़ रहे हैं और एच आईवी एंजन क्या होते हैं ये होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक सेक्शन यहां पर हम देख रहे हैं कैसा होता है ये। अब इसमें कुछ चीजें याद रखनी और प्रोटीन लिपिड लाइपोन लाइपो प्रोटीन हम सीधा लिखेंगे लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई मेमब्रेन होती है बेटा इसमें ठीक है बाहर आपको ग्लाइको जीपी का मतलब क्या है ग्लाइको प्रोटीन जीपी का मतलब क्या ग्लाइको प्रोटीन जीपी 120 याद रखिएगा आप जीपी वन ट्वेंटी जीपी फोर्टी वन ठीक है जीपी वन ट्वेंटी जो होते हैं ना ये हेल्पर टी सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं यही हेल्पर टी सेल को पहचान करते हैं जीपी वन ट्वेंटी इंपॉर्टेंट है 120, it, क्या? क्लियर? फिर आप न्यूक् आप आर एन ए देख रहे हैं, हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट आपको दिखाई पड़ रहा है अंदर ये एक एच आई वी का स्ट्रक्चर है ठीक है एच एक्ट आईवी को यदि हमें आइसोलेट करना है बॉडी से कि निकालना है जांच करने के लिए कहां से निकालेंगे तो एचआईवी को हम आइसोलेट कर सकते हैं ब्लड सेट के ब्लड से सीमेन सीमेन से सीमें से, सीमें से सर्वाइकल फ्लू से ठीक है सर्वाइकल फ्रूट मतलब सर्विक्स से निकलता है सर्विक्स का सीक्रेशन है उस सेट के इसलिए सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आईवी इंफेक्शन फैल जाता है फिर सरिब्रो स्पाइनल फ्लू सीएसएफ जो ब्रेन में स्पाइनल कार्ड फ्लूड होता है उससे निकालते हैं लंग्स लंग्स के सिक्रेशन जो होते हैं उससे ले सकते हैं पे ठीक है ठीक और एच का पता लगाने के लिए हम जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं हम एंटीजन एंड ऐसे टेस्ट जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटर पर बेस्ड होते हैं उन्हें अब हाँ,

कार्पास टेस्ट होता है इनका भी इस्तेमाल हम जो है वो एच के स्क्रीनिंग के लिए करते हैं यदि ये टॉस टेस्ट होते है, तब हमको कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाना होता है कन्फर्मेट्री टेस्ट, टेस्ट लगाना होता है और ये होता है और यदि वेस्टर्न ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है मतलब हंड्रेड व्यक्ति को एचआईवी इंफेक्शन है तब 100 व्यक्ति को जो एच आईवी का इंफेक्शन होगा ठीक है फिर कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एच के तो देखिए सेक्सुअल रिलेशनशिप अब एक बार क्या हुआ कि जो है वो एग्जाम हुआ पीएमटी का उसमें वर्ड आया ठीक है बाकी कोई दूसरे वर्ड थे ही नहीं तो मतलब कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा ठीक से वर्ड को कर, वर्ड जो है वो ऐसा मतलब प्रेजेंटेबल दिखे तो कई बार कर्टशिप वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग ठीक है याद रखिएगा एग्जाम में एक सिली, सिली मिस्टेक करते हैं वहां ऑप्शन देगा आपको वो ब्लड सर्कुलेशन अरे भाई ब्लड सर्कुलेशन एक आदमी की बॉडी में होता है इससे एच नहीं फैलेगा ठीक है तो गलती मत करना ये सिली मिस्टेक के पॉइंट है कि ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है ब्लड सर्कुलेशन ऑप्शन सी है एयरबोर्म ऑप्शन डी है इन वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर तो क्या किया हमने जल्दी से हमने कहा का मतलब ही नहीं समझ आया और आंसर ला गया ब्लड सर्कुलेशन गलत हो गया झगड़ा भी कर रहे हैं टीचर से भी और उससे भी एक्चुअली में ब्लड सर्कुलेशन एक आदमी की अपनी बॉडी के अंदर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो एक का ब्लड दूसरे को चढ़ाना ठीक है ना याद रखना देन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन अनस्ट्राइल सीरीजेस और नीडल्स ठीक है ना और मदर से बेबी को ये हो सकता है ठीके? ठीक है ठीक ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि कोई मच्छर ने कोई एक आदमी ने काटा और दूसरी मच्छर ने दूसरे आदमी काटा तो एचआईवी का इन्फेक्शन फैल जाएगा ऐसा कोई एविडेंस हमको नहीं मिला है इज नो एविडेंस कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट जो एचआईवी को फैला सकते हो ठीक है पहली बार इंडिया इंडिया में पहली बार एच को देखा गया था नाइनटीन में देखा गया था चेन्नई में ठीक है नॉर्मल सोशल कॉन्टेक्ट से एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं फैलता है बेटा याद रखिएगा ठीक है

मैंने कहा था आपसे एच आईवी की, की सतह के ऊपर जो है वो एच में ग, जो सतह होती है स्पाइक में जीपी वन ट्वेंटी जो वन ट्वेंटी पाया जाता है जो हेल्पर टी फोर सेल को पहचानता है ठीक है क्लियर और हेल्पर टी फोर सेल में क्या होता है बेटा उसमें होता है आपका मैंने आपसे कहा कि उसमें वो उसको पहचानता है और उसमें क्या होता है हेल्पर टीफोर सेल में

हमारे इंडिया में रेलवे का बड़ा नेटवर्क है कई गांव के आसपास होकर गुजरती है आप है ना तो स्कूल के बच्चों को एजुकेट क्या था बताया जाता है उनको कि भाई आप देखिए इसमें तो एग्जीबिशन में बेसिकली क्या होता है बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं वो लोग बहुत सारी मूवीज दिखाते हैं ताकि बच्चों को देखो सबसे अच्छी बात क्या है यदि आपको बता दू मैं कि आपसे मैं बहुत सारी बातें करता हूं बहुत सारी बातें करता हूं आपको मैं बहुत सारा आपको सिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि देखिए दो चीज जिंदगी में दो चीजें होती है बेटा एक होती है हम खुद गलती करें हम गलत राह पे जाएं, नुकसान करें और फिर सीखें ठीक एक तो वो होता है दूसरा होता है कि हम पहले से किसी ने बताया है कि ये रास्ता सही जगह पर जाएगा उस रास्ते को पहचान कर हम आगे बढ़ें अपना नुकसान किए बगैर हम आगे निकल जाएं और बहुत आगे पहुंचे एक तरीका वो होता है गुरु का माता पिता का आपके जो बड़े हैं उन लोगों का काम यह होता है कि वो जो अपनी लाइफ में देखें उसको आपको बतलाएं और आपसे बोले कि इस रास्ते पर जाने पे तुमको ये होगा इस रास्ते पे जाओगे तो तुमको सफलता मिलेगी हो सकता है कि आप अपना रास्ता कोई अच्छा बना के आप आगे निकल जाए लेकिन वे रास्ते जो मता है कि यहां पर गलती होती है उनकी जानकारी गलती करने के बाद नहीं होना चाहिए उसके पहले होना चाहिए कोई भी देश उतना ही आगे बढ़ेगा कोई भी देश उतना ही आगे बढ़ेगा जितना आगे उसका यूथ बढ़ेगा जितना आगे उसके बच्चे बढ़ेंगे जितना अच्छा उसके बच्चे एजुकेट होंगे और मैं कह रहा हूँ आपसे मैं अमेरिका यूएसए में देख के आया हूं और मैं कहता हूँ आपसे अमेरिका में सबसे टैलेंटेड यूथ जो है वो अभी रूल कर रहा है जो जो काम कर रहा है यहां पर उसके बाद की जो जनरेशन है दे आर इन गेमिंग दे आर इन मतलब वो अलग तरह की जनरेशन है वो और ये देख के मुझे मैंने क्या सोचा मैंने कहा खेलो गेम दिन दिन भर गेम खेलो तो यूट्यूब पे गेम खेलो गेमिंग चैनल बना के हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं लेकिन ये फिनिश जनरेशन है अरे भाई एक देश को चलाने के लिए अच्छे डॉक्टर्स अच्छे इंजीनियर्स अच्छे पॉलिटिशियन अच्छे अफसर अच्छे टेक्नोक्रेट अच्छे बिजनेसमैन उनकी रिक्वायरमेंट है अरे तुम गेमर का क्या है टिंग 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 मार दिया भाई चल रहा है उससे क्या होगा बताओ मेरे को उससे होगा क्या खुद सोचिएगा हम जो समय लगा रहे हैं वो समय हम वो, अरे सर वो तो गेमर इतना कमाता है वो तो इतना उसको लोग दे देते हैं सौ रुपए पचास रुपए सुपर चैट में इसमें उसमें तो देश की एक बुनियाद है आधारशिला है वो ऐसी कमजोरती है एक पीढ़ी ऐसी आती है हर देश में एक पीढ़ी ऐसी आती है जो देश को डाउन कर जाती है और एक पीढ़ी ऐसी आती है तो यहां से यहां लेके जाती है बस वो पीढ़ी आप लोग हैं ठीक है ठीके? मैं कह रहा हूं आपसे दावा करता हूं आपसे यही यही वो जनरेशन है सामने बैठी है जो इसको इंडिया को सुपर पावर बनाएगी इंडिया को अमेरिका से आगे लेके जाएगी यही वो जनरेशन है कोई कहीं से चमत्कार नहीं होगा कोई देवी देवता नहीं आएगा कोई कोई बाहर से चमत्कार चमकता हुआ सूम नहीं उतरेगा ये सिर्फ आप हैं आज भारतीयों को बुला लेना आप कहा से अमेरिका से इंग्लैंड से उनके ऑर्गेनाइजेशन खाली हो जाएंगे एक आदमी एक काम नहीं कर पा रहा वहां पर नासा पूरा चलाते हैं इंडियन जितने डॉक्टर हैं यूके के के अंदर अंदर यूएसए मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैं और बचे हुए सोमालिया से हैं कांगो से हैं जायरे से हैं यकीन नहीं आता सच कह रहा हूं मैं यही दस परसेंट भी नहीं होंगे वो लोग हायर एजुकेशन में हम ही लोग हैं समझ गए ना करना क्या आपने को है ना चलो अब बात करते हैं हम मैंने कहा नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वॉइस अगेंस्ट एड्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में होता है इसका साइट है naco.gov.in ठीक है चल आज का हमारा ये वाला हिस्सा कवर होता है बेटा पूरा ठीक है तो हमने आज कवर किया एचआईवी को एड्स को ठीक है मैं हमेशा कहता हूं आपसे पढ़ने को बोझ मत समझिए जब बोझ समझेंगे ना पढ़ाई को बोझ समझेंगे तो बोझ लेके आदमी लंबा नहीं चल पाएगा दोस्त उसको जीवन का एक हिस्सा समझिए उसको तो पढ़ने में भी मजा आएगा है ना बेटा चलिए पढ़ते रहिए मेहनत करके ऑल दी बेस्टमेंट join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself it's a commando training for your success download biomentors online app from Google Play Store.